Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Main aaj khush hu isliye ke Pakistan ki azadi ke din main apne kashmiri bhaiyon ke saath hu aur us time pe jab sabse bada क्राइसिस हमारे कश्मीरियों के ऊपर वज़ीर आज़म साहब आपने भी बात की कि ये कश्मीर पे आज वक्त आया है और ये पाकिस्तान पे कल आएगा। मैं शुरू में ही आपसे ये कह दूं कि ये जो आपने बात की ये मैं जो अभी ट्वीट्स भी की और मेरी जो दुनिया में भी गई सारी दुनिया में पहली दफ़ा असल जो शक्ल है बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की उसको मैंने दुनिया के सामने रखा और वो क्या है कि हमारे सामने एक मफादात की ये कश्मकश नहीं चल रही हिंदुस्तान के साथ, हम एक नजरिए के खिलाफ खड़े हैं, एक आइडियोलॉजी के खिलाफ। ये ज्यादा खौफनाक है। देखें, नजरिए की अगर ये हमारा हिंदुस्तान से अभी हमारा ये चल रहा होता मुकाबला तो उसका हल और है, लेकिन जब आप एक आइडियोलॉजी के खिलाफ जा रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। उसके लिए जो सॉल्यूशंस हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो मैं सबसे पहले आज आपके सामने इस चीज को वाज़े करना चाहता हूं कि हमारे सामने एक बड़ी खौफनाक आइडियोलॉजी खड़ी है। इस आइडियोलॉजी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है जिसके ये बचपन से मेंबर हैं नरेंद्र मोदी, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी ने अपनी इंस्पिरेशन हिटलर की नाट्सी पार्टी से ली थी। ये उसको एडमायर करते थे, ये भी वही समझते थे रेशियल सुपीरियरिटी कि जो हिंदू कौम है वो सुपीरियर है। ये भी ये समझते थे कि ये जो मुसलमान है इन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की और अब बदला लेना इनसे। इस आइडियोलॉजी के पीछे मुसलमानों के खिलाफ नफरत है। ये जो आइडियोलॉजी है ये सिर्फ मुसलमानों से नफरत करती, उससे कम क्रिश्चियन से भी नफरत करती है कि उन्होंने भी इनके ऊपर हुकूमत की। इस आइडियोलॉजी के पीछे एक माजी हिंदुस्तान में ये आरएसएस ने अपने लोगों के जहन में डाला हुआ है कि अगर ये मुसलमान हुकूमत हमारे पे 600 साल ना करते तो हम एक बहुत अजीम कौम बनने जा रहे थे। और ये आइडियोलॉजी के अंदर जिस तरह नाट्सीज़ के अंदर था इसमें उन्होंने मुसलमानों की एथनिक क्लेंजिंग भी रखी हुई थी हिंदुस्तान से कि इनका कोई इनकी जगह नहीं है हिंदुस्तान में। ये आइडियोलॉजी अगर हम ये समझ जाएं तो उसके बाद आपको बहुत चीज़ें समझ आ जाएंगी ये जो भी कश्मीर में हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि हमें आज समझ आती है कि कायद आज़म जो हिंदू मुसलमान यूनिटी के एम्बेसडर समझे जाते थे वो इससे ऊपर थे कि किसी की क्या दीन क्या है। वो एक आज़ादी की मूवमेंट में थे अंग्रेज़ के खिलाफ, वो ये नहीं पढ़े हुए थे कि ये उन्होंने सबके लिए आज़ादी का सोच रहे थे कि सारे जो भी अंग्रेज जब जाएगा तो सिख है मुसलमान है दालित है क्रिश्चियंस हैं हम सब आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन वो पाकिस्तान मूवमेंट पे क्यों गए? क्योंकि वो समझ गए थे, एक बहुत बड़ा माइंड था, एक ब्रिलियंट जहन था उनका जिसने तब ही समझ लिया था कि ये जो आज़ादी मांग रहे हैं ये हमारे लिए नहीं आज़ादी मांग रहे, बल्कि उन्होंने ये भी नफरत देख ली थी मुसलमानों के खिलाफ
जिसकी वजह से अगर आप अभी भी उनके पढ़ें कि जब वो जब मायूस होके बरतानिया चले गए तो अभी भी आप पढ़ेंगे तो कई जगह पे वो कहते हैं मुसलमानों को कि तुम्हें नहीं पता तुम किस खतरे में जा रहे हो, तुम अंग्रेज की गुलामी से भी बुरी गुलामी में जा रहे हो। मुसलमान नहीं सुन रहे थे। वो 1937 का इलेक्शन ना होता, होम रूल ना आता, जिसमें एक भी मुस्लिम लीग को मिनिस्ट्री नहीं दी गई, तब मुसलमानों को पता चला कि इसमें तो हमारी कोई जगह ही नहीं, तब मुस्लिम लीग की तरफ मुसलमान गए, तब पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हुई सही माने में। बल्कि एक साल पहले भी पाकिस्तान बनने से लोग नहीं समझ रहे थे पाकिस्तान बनेगा, बल्कि कायदे आजम जब पाकिस्तान में लैंड करते हैं पाकिस्तान बनने से चार हफ्ते तीन हफ्ते पहले, तो वो अपने एडीसी को कहते हैं कि मैं नहीं समझ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में पाकिस्तान बनेगा। उनको सब पता था कि क्या चालें चली जा रही थी, लेकिन ये जो आइडियोलॉजी है इसकी वजह से पाकिस्तान बना, और इस आइडियोलॉजी ने महात्मा गांधी को कत्ल किया। ये वो आइडियोलॉजी थी, और ये फिर आइडियोलॉजी ने आगे जाके ये जो गुजरात में कत्लेआम की गई मुसलमानों की, ये आइडियोलॉजी थी। कोई और मुल्क में इस तरह का कत्ल होता एक चीफ मिनिस्टर के होते हुए, पुलिस ने मिलके कातिलों के सामने मिलके औरतें बच्चों का कत्ल किया जिस तरह भयानक नाक हुआ, कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। वहां से ये आइडियोलॉजी बढ़नी शुरू हुई। उससे पहले बाबरी मस्जिद थी, फिर आइडियोलॉजी बढ़नी शुरू हुई। फिर उस आइडियोलॉजी ने आहिस्ता आहिस्ता हिंदू इंडिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता और फैलना शुरू हुई। और फिर ये जो आपने देखा मुसलमानों से हुआ, जो गाय का गोश्त खाए कईयों को मार दिया गया, लिंचिंग क्राउड्स, ये सारा उस आइडियोलॉजी का हिस्सा था। और जो पिछले पाँच साल ख़ास तौर पे जो मकबूजा कश्मीर के ऊपर जुल्म किए गए वो इस आइडियोलॉजी की वजह से था। और ये जो नरेंद्र मोदी ने कार्ड खेला है ये उस आइडियोलॉजी का फाइनल एक हिस्सा था, जिसको कई कहते हैं फाइनल सॉल्यूशन। हिटलर ने भी यहूदियों के लिए एक फाइनल सॉल्यूशन बनाई हुई थी। ये बार बार जब उन्होंने देखा कि हमें कोई नहीं रोक रहा, दुनिया से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, और शेर इनकी में और इतमाद आना शुरू हो गया, बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। और जो ये कश्मीर पे कदम उठाया गया, मैं एक तरह तो उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा कि हम सबको इस वक्त खौफ है कि जब कर्फ्यू उठेगा तो हमें क्या चीज़ें पता चलेंगी। इस सारों के अंदर, हर इंसान के अंदर, कश्मीरियों के अंदर नहीं, पाकिस्तानियों नहीं कि नहीं, मुसलमानों में नहीं, एक इंसान में खौफ है कि ये क्या क्या निकले, क्या पता चलेगा हमें, क्या ज़रूरत थी इतना ज़्यादा, पहले फौज भेजो, फिर टूरिस्ट को निकाल दो, फिर जो वो हिंदू जो यात्री थे जो उनको निकाल दो, तो ये क्या करने जा रहे हैं। सबको खौफ है इस चीज़ का। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ, मैं आपके सामने बिल्कुल एक मुख्तलिफ व्यू रखने लगा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया है, ये उसने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अब बहुत भारी पड़ेगा नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को। क्यों पड़ेगा? क्योंकि सबसे पहले कश्मीर को इन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया। कश्मीर जो उस वक्त बड़ा मुश्किल था बात करना कश्मीर का, मैंने OIC में कश्मीर की बात की, मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से कश्मीर की बात की, लेकिन लोगों को वहां कोई किसी का अंदाजा नहीं है कश्मीर में क्या हो रहा था। अब होगा, अब दुनिया की नज़र कश्मीर पे है, और अब हमारे ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर, कि हम अब मज़ीद इसको कैसे इंटरनेशनलाइज करते हैं। मैं आज आपकी इस पार्लियामेंट के सामने जिम्मेदारी लेता हूँ इस चीज़ की। मैं अब बनूँगा, अब ये समझें
कि कश्मीर की दुनिया में आवाज उठाने वाला एम्बेसडर, सबसे पहले हमें दुनिया को आगाह करना है आरएसएस की आइडियोलॉजी से। दुनिया ने जब नाट्जी जर्मनी जो जुल्म किए, उसके बाद दुनिया ने बड़े कदम उठाए, यूनाइटेड नेशंस बनी 1945 के बाद, जिनीवा कन्वेंशन आई, ये सारी जो मूवमेंट्स, जब दुनिया ने जो तबाही मची सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, दुनिया ने फैसला किया कि अब ऐसे कभी भी नहीं दुनिया में होना चाहिए। ये दुनिया नहीं जानती कि ये जो आइडियोलॉजी है आरएसएस की, ये उतनी खतरनाक है। इनकी स्टेटमेंट सुने, चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुने, वो यूपी का चीफ मिनिस्टर के मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल के रेप करेंगे, ये कौन सी सिविलाइज्ड मुल्क में कोई तसव्वुर भी कर सकता है इस तरह की बात करने में। फिर ये जो मुसलमान कश्मीर की औरतों के ऊपर जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये कोई सेन माइंड, नॉर्मल माइंड ऐसी बातें नहीं करता, ये वो माइंड जो बीमार होते हैं, सिक माइंड्स होते हैं, जिनको जिनके पास से सिविलाइजेशन नहीं गुजरी होती, तहजीब नहीं होती, ये नफरतें भरी होती हैं इन लोगों के अंदर। और इन लोगों ने दुनिया में, दुनिया की तारीख उठा के देखें, इस तरह के लोगों ने दुनिया में जो कत्लेआम तबाही मचाई है, जुल्म किया है, ये वो आइडियोलॉजी है। मगरब में इस आइडियोलॉजी का नहीं पता। आहिस्ता आहिस्ता जो हिंदुस्तान अब जाता है, वो कोई बात करता है, लेकिन लोगों को नहीं अंदाजा। लोग अभी भी वो पुराने समझते हैं, वो हिंदुस्तान कर्मा और निवराना वाला मुल्क है, सेकुलरिज्म, प्लूरल सोसाइटी, पाकिस्तान को हमें हमेशा कहते थे इंतहा पसंद, दहशतगर्द वगैरह, लेकिन हिंदुस्तान एक टॉलरेंट सोसाइटी समझी जाती थी। ये जो इस आइडियोलॉजी, मैं आपको आज बता रहा हूं कि जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो आखिर में हिंदुस्तान को होगा। जो ये हिंदुस्तान में अब कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया हिंदुस्तान में, सबसे पहले तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर दिया। हमारा तो इशू था ही नहीं आर्टिकल 370, ये तो हिंदुस्तान का इशू था, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन थी। इस आइडियोलॉजी ने हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ गए, जम्मू एंड कश्मीर के हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ गए। जब एक मुल्क का रूल ऑफ लॉ खत्म होता है, मुल्क तो तबाह हो जाता है। ये याद रखें, मुल्क जंगों से कभी तबाह नहीं होते, मुल्क तब तबाह होता है जब मुल्क का नजरिया खत्म होता है, रूल ऑफ लॉ खत्म होता है, सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है, जब उसके अंदर ह्यूमन राइट्स खत्म हो जाते हैं, वो मुल्क बनाना रिपब्लिक्स बन जाते हैं। तो ये जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है, जजेस डरे हुए हैं इनसे, मीडिया के ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, ऑपोजिशन के मैं उनकी तकरीरें सुनता हूं, घबरा घबरा के वर्डिक्ट जो इन्होंने डिस्कोर्स है इस वक्त बीजेपी का, घबरा घबरा के इंडियन पार्लियामेंटेरियंस उसके खिलाफ डर डर के बात करते हैं। आम इनके आरएसएस के इनके गुंडे फिरते हैं, जाके लोगों को मार रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस नहीं करने देते, ड्रा धमका रहे हैं, जजेस डरे हुए इनसे। ये बिल्कुल नाट्सी जर्मनी के अंदर ये हुआ करता था, ये उनकी भी बिल्कुल ये है कि जजेस को मारते थे, मीडिया में कोई उनके खिलाफ बात नहीं करता था, दानिश्वर इंटेलेक्चुअल्स वो डरते थे उनसे, उनको या मार देते थे, भगा देते थे, कोई नेशनल इनका हिटलर की जर्मनी के नैरेटिव के खिलाफ बात करता था उसको गद्दार कह देते थे। यही आज हिंदुस्तान में हो रहा है, कोई बेचारा बात करता है, मुसलमान तो खैर मुसलमान को तो उन्होंने उधर कोने पर लगा दिया, वो थोड़ा सा बात करते कहते जी पाकिस्तान चले जाओ। इंडिया हिंदू डरते हैं इनसे, इंटेलेक्चुअल्स डरते हैं इनसे बात करते हुए। तो हिंदुस्तान की तो इन्होंने असल में बहुत बड़े तबाही की तरफ हिंदुस्तान को लेके जा रहे हैं। हिंदुस्तान तो एक कभी सर्वाइव कर ही नहीं सकता ऐसे, वहां तो मुसलमान 18-19 करोड़ मुसलमान है,
कोई कम लोग नहीं है। आप अगर उनसे इस तरह का करेंगे, उनको उनको कोरे से लगा देंगे, उनके राइट्स ख़त्म कर देंगे, उनको डराएंगे धमकाएंगे, तो ये आखिर में इसका रिएक्शन तो आएगा। मगरब के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, आप में बड़े, मुझे आज़ाद कश्मीर से लोग मिलते हैं इंग्लैंड में, आप ब्रेडफर्ड और मैनचेस्टर के इलाकों में चले जाएं, जिधर रेसिज्म और लोगों को मार्जिनलाइज किया गया है वहाँ रेडिकलाइज हो गए लोग। बर्मिंगहम के अंदर जो रेडिकल्स निकलते हैं, जो आइसिस के साथ लड़ते हैं, इन लोगों को जब आप माशरे में मार्जिनलाइज कर देते हैं वो रेडिकलाइज हो जाते हैं। तो वो हिंदुस्तान में हो रहा है, जिस तरह अब मुसलमानों को वहाँ खौफ खौफ में रह रहे हैं। मैं जब हिंदुस्तान क्रिकेट खेलने जाता था तो मुझे कई दफ़ा जो उनके अच्छे खाते पीते घरों से मुसलमान थे, वो कई दफ़ा कहते थे कि ये टू नेशन थ्योरी ठीक नहीं थी, कि ये जी ये जो हम एक ही मुल्क में ज़्यादा बेहतर रहते हैं। आज वो सारे कह रहे हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ठीक कर रहे थे, टू नेशन थ्योरी ठीक थी। आज वो कश्मीर के लीडर्स जो मैं जब कॉन्फ्रेंस दिल्ली में अटेंड की हुई हैं, जो कहते थे प्रो इंडिया थे और आप सब जानते हैं वो कौन थे, आज वो कह रहे हैं। आज मैंने फारूक अब्दुल्ला के से सुना कि ये जो कायदे आज़म कह रहे थे ठीक कह रहे थे। और फिर ये वहां नहीं रुकेगी, ये जो आरएसएस का जिन बोतल से निकल चुका है ये वापस नहीं जाता, ये या रुकेगा नहीं, ये आगे जाएगा। ये अभी सिखों के ऊपर मुश्किल वक्त आएगा, दलित के ऊपर आएगा, क्रिश्चियंस के ऊपर आगे आ चुका है। क्रिश्चियंस के ऊपर जो उन्होंने वायलेशंस किए वो हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा मुसलमानों को टारगेट किया गया है। और मैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने जो भी बात की, मैं आपसे बिल्कुल 100% इससे मुत्तफिक हूं कि ये सिर्फ कश्मीर तक नहीं रुकेगा काम। ये जो नजरिया आइडियोलॉजी नफरत से भरी हुई, ये पाकिस्तान की तरफ आएगी। हमें इंफॉर्मेशन है और मैंने अपनी उनके साथ हमारी दो दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है। पाकिस्तानी फौज को पूरी तरह पता है कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है आज़ाद कश्मीर में एक्शन लेने का। जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट में एक्शन लिया था, उससे भी हमें जो इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा खौफनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है। दुनिया की नज़र उठाने से ये जो ये करने जा रहे हैं कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, उसकी नज़र उठाने से इन्होंने आज़ाद कश्मीर में एक्शन लेना है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को यहाँ से आज पैगाम देता हूँ कि आप एक्शन लें। आपकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। यहां जो कहा गया कि पाकिस्तानी फौज बैटल हार्डन्ड है, 20 साल से शहीदों की लाशें उठा रही है, वो फौज नहीं है जिसने अभी कोई एक्शन नहीं देखा। तैयार है पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी फौज नहीं तैयार, सारी कौम तैयार है। कौम लड़ेगी फौज के साथ। वो इसलिए कि मुसलमान कभी पहल नहीं करता जंग में। अगर वो करता है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ वर्जी करता है। अग्रेसिव वॉर इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन अपनी आज़ादी को बचाने के लिए जो जंग होती है, वो अल्लाह उन लोगों को जो उस जंग में शिरकत करते हैं और उस जंग में तो जो मरते हैं, उनका जो रुतबा है वो सिर्फ पैगंबरों के बाद होता है शहीद का। तो मुसलमान मौत से नहीं डरता। ये सबसे ज़्यादा ताकत होती है मुसलमान की। इसलिए जब मुसलमान अपनी आज़ादी के लिए लड़ता है, तारीख दुनिया की बताती है कि
کہ اپنی سے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے چکے ہیں. یہ میں آج آپ کو نریندر مودی یہ پھر سے یہاں سے کہہ دوں کہ ہم تیار ہوں گے, جس جو آپ کریں گے آپ کا مقابلہ کریں گے, اینڈ تک جائیں گے. جو قومی غیرت ہے وہ ہمیں لا الہ الا اللہ دیتا ہے. اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے. یہ جو کشمیر میں آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کشمیریوں کو غلام بنانا, تقریر میں کہتا ہے نریندر مودی کہ ہم یہاں خوشحالی لے آئیں گے, اب جو ہو گیا ہے یہ ہم نے آرٹیکل 370 اور 335 ختم کیا ہے, اب خوشحالی آ جائے گی کشمیر میں. یہ وہی ہے جب ہٹلر روس کے اوپر اٹیک کر رہا تھا تو ان کو کہہ رہا تھا میں تمہیں کمیونزم سے آزاد کرنے آ رہا ہوں. یہ سب سنی ہوئی ہیں چیزیں ایسے لوگوں سے. کشمیریوں کو کرفیو لگا کے وہاں بند کر کے, 11 دن سے بند کیا ہوا ہے, ساری انفارمیشن ختم کر کے ایکسٹرا فوج بھیج کے یہ کشمیریوں کی خوشحالی کے لیے نریندر مودی کوشش کر رہا ہے. یہ آپ اپنے جو آپ کے آئیڈیولوگز ہیں, جو آر ایس ایس کے کیڈرز ہیں, ان کے لیے تو یہ آپ پیغام دیں. اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں, یہ میں اپنی کشمیر کی سیاسی قیادت, پارلیمنٹیرینس, آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو آر ایس ایس نے سیکھا تھا نازی پارٹی سے وہ یہ کہ اگر تھوڑے سے لوگ آرگنائز ہو جائیں اور ان کا نظریہ تکڑا ہو, یعنی وہ نظریاتی ہوں, آرگنائزڈ ہوں, ان کی موٹیویشن ہو, وہ پوری قوم کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. یہی نازی پارٹی نے کیا تھا, آرگنائز تھے, ساری وہ حرکتیں کی جو آج ان کی بی جے پی کر رہی ہے ہندوستان میں, اور پورا انہوں نے ملک کو کنٹرول کر لیا, اور پھر لوگوں کو پوری پروپیگنڈا کے ذریعے. آج ان کا میڈیا جو ہندوستان کا ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے, ہر ظلم کو کور کرتا ہے, وار ہسٹیریا بنایا ہوا ہے. ساری الیکشن کیمپین کی جو الیکشن کیمپین تھی بی جے پی کی, ساری پاکستان کو میں سبق سکھاؤں گا, چوکی دار ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, سارے کیمپین ہمارے گیس تھی. اور پھر یہ بڑی ٹرائمف ہے کہ کشمیریوں سے, سوچے کشمیریوں سے انہوں نے کہ کتنی بڑی بٹریل ہے. ان کو اپنا آئین کی وائلیشن علیحدہ, جار وال نہرو جو ان کے فاؤنڈنگ فادر تھے ان کی تقریریں سن لیں, جو وعدے سن لیں جو انہوں نے کشمیریوں کو کیے تھے, اس کو بھی مسترد کر دیا. کوئی ہیومن رائٹس کی فکر نہیں, انٹرنیشنل ریزولوشنز کی کوئی فکر نہیں, سملا اکارڈ کی کوئی فکر نہیں, صرف آئیڈیالوجی سپریم ہے اور اس کے پیچھے تکبر ہے. اور میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, ہمیشہ جب تباہی آتی ہے کسی قوم پہ تو وہ ان کے لیڈر میں تکبر آ جاتا ہے. اللہ کو یہ چیز سب سے بری لگتی ہے, تکبر. ہٹلر میں تکبر تھا تو اس نے اٹیک کر دیا جرمنی پہ, رشیا پہ. نپولین میں تکبر تھا اپنی فوج کے اوپر, ناز تھا, اس نے اٹیک کر دیا, تباہ ہو گئی اس کی فوج رشیا میں. یہ جو ہمارے سامنے جنگیں ہوئی ہیں, سب نے سوچا کہ جی یہ دو تین ہفتے میں ختم ہو جائے گی. کوئی 19 سال جنگ چل رہی ہے, کوئی جو جنگ چلی ہے, جنگ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. آپ ایک مسئلہ حل کرنے جاتے ہیں, 3 اور مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہی بہت بڑی نریندر مودی کی مس کیلکولیشن ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ایونٹس کدھر جاتے ہیں. پاکستان کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم آپ پوری طرح تیار ہیں, ہماری فوج, سب قوم ایک پیج پہ ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی قسم کی وائلیشن انہوں نے کی, جو انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے کرنے کی, ہم اس کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں, تیاری ہے. اور پھر یہ جو جنگ ہوگی, یہ آج ہم دنیا کی کمیونٹی کو میسج بار بار دے رہے ہیں, آپ ذمہ دار ہوں گے. وہ ادارے جن کا کام تھا کہ جنگیں روکنا, جن کو بنایا ہی سیکنڈ ورلڈ وار کے لیے اس لیے تھا کہ ان کا کام تھا کہ کمزور کو طاقتور سے
की हिफाजत करना जो यूनाइटेड नेशंस है, ये हमारा नहीं, ये इनका ट्रायल है। अब ट्रायल तो यूनाइटेड नेशंस का है कि क्या आपने जो आपकी अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की 11 रेजोल्यूशंस थी, क्या आप खड़े होंगे अब इनके साथ? क्या ये जब ताकतवर कमजोर के ऊपर आए तो यूएन कुछ नहीं कर सकती? क्या यूनाइटेड नेशंस तभी चलती है जब ताकतवर फैसला करे? अगर ताकतवर दूसरी तरफ चला जाए तो वो जो मर्जी कर ले, इस मुल्क में जुल्म करें। और फिर यूनाइटेड नेशंस को आज उनको भी मेरा पैगाम है कि ये सिर्फ कश्मीर के लोग या पाकिस्तान के लोग आपकी तरफ नहीं देख रहे, ये 125 करोड़ मुसलमान दुनिया आपकी तरफ देख रही है। मैं आवाम की बात कर रहा हूं, 125 अरब मुसलमान। लीडरशिप को अलहदा छोड़ें, लीडरशिप की मजबूरियां होती हैं अपनी अपनी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, लेकिन जो अवाम है 125 अरब मुसलमान है, वो तो उनका तो सारों का दिल धड़क रहा है आज कश्मीर के लोगों के साथ। तो वो सारे देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस, आपने रेजोल्यूशन, आपने वादे किए थे, आपने उनको राइट दिया था कि वो रेफरेंडम के जरिए अपना फैसला करेंगे, अपनी अपनी डेमोक्रेटिक अपना ह्यूमन राइट को एक्सरसाइज करते हुए फैसला करेंगे कि उनकी फ्यूचर क्या है। आपके लिए इन्होंने जो नरेंद्र मोदी ने किया, आपकी रेजोल्यूशन उठा के फेंकी उसने साइड पर, तो क्या करेंगे अब आप? सारी दुनिया इनकी तरफ देख रही है। हमने कल यूनाइटेड नेशंस को हमने अब पिटिशन कर दिया है, हम उधर भी जाएंगे। मैं आज आपको कह रहा हूं, हर दुनिया का फोरम के ऊपर हम जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। हमारे पास जो ओवरसीज हमारे पास पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटीज हैं, उनको मोबिलाइज कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि लंदन के अंदर तारीखी पब्लिक निकलेगी बाहर कश्मीर के लिए। और इंशाल्लाह जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली सितंबर में अगले महीने है, तब आप देखेंगे कि वो पब्लिक निकलेगी जो कभी पहले नहीं, उधर कभी उन्होंने इतने पब्लिक नहीं देखी होगी जो अब निकलेगी। और उसका मकसद क्या होगा कि हमने बार बार इनको बताना है, और हमने अभी से दुनिया को अभी से बताएंगे कि ये जब कर्फ्यू उठेगा, जो भी इस कर्फ्यू के अंदर जुल्म हुआ, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर हम उनको बताएंगे कि ये आप जिम्मेदार हैं। कि सबको पता है कि एक आदमी ने फौज भेज दी है, न्यूज सारा मीडिया खत्म करके, क्लैम डाउन करके, कर्फ्यू लगा के, वो क्या कर रहा होगा वहां? जुल्म कर रहा होगा, क्या चीज छुपाने की है उसको? जब कह रहा है कि मैं खुशहाली लेके आ रहा हूं, कोई ऐसे भी खुशहाली लेके आता है? इसलिए ये अभी से ही हमारे सारे एक्टिव हैं, हमारे एम्बेसडर्स एक्टिव हैं। ये अब आप समझ लें कि ये अब हम हर फोरम के ऊपर, जो फोरम मिलेगा इंटरनेशनल, जो हमारे पास इदारे होंगे इंटरनेशनल, सब के ऊपर, मैं फिर से आपको आज कहता हूं कि इसकी सबसे ज्यादा मैं अब आप इसका एम्बेसडर बनूंगा, मैं इसको प्रमोट करूंगा, मैं इसको हर फोरम के ऊपर उठाऊंगा। इंशाल्लाह ये जो अब हो गया, इंशाल्लाह अल्लाह से हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो हुआ है कश्मीर में, इंशाल्लाह इसकी वजह से, ये जो उसने आखिरी कार्ड नरेंद्र मोदी ने खेल दिया है, इसके बाद अब सिर्फ आज़ादी की तरफ जाएगा कश्मीर। हमने, मैं शुरू में सिर्फ आपको ये कह दूं कि पूरी कोशिश की आके, मैं फिर से कहता हूं कि मैं समझता हूं जंग से मसले हल नहीं होते बल्कि बढ़ जाते हैं। मैं मानता ही नहीं हूं जंगों के अंदर, मैं पैसिफिस्ट हूं। इसलिए पूरी कोशिश की हमने इसके साथ, आते साथ ही एक कदम आप आएंगे, हम दो कदम आपकी तरफ जाएंगे, हमने कॉन्टैक्ट किया, पूरा किया। हमें शुरू में समझना है कि क्या हुआ है, कि इंटरेस्ट तो हमारे एक ही है ना। देखें इस वक्त अगर इंटरेस्ट की जंग होती तो इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान हिंदुस्तान के कॉमन इंटरेस्ट है। हमारा नंबर वन इंटरेस्ट है कि हमारे लोगों को रोजगार मिले। वो तो जो अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, ट्रेड अच्छी हो, तो उससे तो सारी दुनिया में पता है कि खुशहाली आती है, रोजगार मिलता है, गुर्बत कम होती है। हमारा एक बहुत बड़ा कॉमन मसला है क्लाइमेट चेंज, ये आगे एक बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है।
जो हमारे ग्लेशियर्स कम हो रहे हैं ये जो गर्मी की वजह से, तो ये तो हमें कॉमन, क्योंकि ये दोनों मुल्कों को अफेक्ट करता है, इसमें भी हम कोऑपरेट कर सकते थे। और ट्रेड के अंदर फिर अगर हमारा एक ही मसला था कश्मीर का, मैंने शुरू में कहा कि बातचीत से हम हल कर सकते हैं, लेकिन फिर से मैं कहता हूँ जब आइडियोलॉजी सामने आ जाती है, इनका तो इंटरेस्ट ही नहीं है, इनका तो इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, इनके अंदर तो नफरत भरी हुई है। तो मैं आज आखिर में इस 14 अगस्त में कायदे आज़म को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अपनी कौम की तरफ से, सारी अपनी कश्मीर पाकिस्तान, हम सारी वो कौम कायदे आज़म का मशकूर है कि ना उनकी ये समझ होती इश्यूज़ की, ना ये मुल्क बनता हमारा, पता नहीं आज क्या होता कि आज हम सब यही इसी तरह की एक रेसिस्ट फैशिस्ट फिलॉसफी के अंदर हम सब गुलामी कर रहे होते हैं, खुदा न खास्ता। तो उस वक्त उनकी इंटेलिजेंस, उनकी ब्रिलियंस देखें कि वो समझ गए थे कि ये किस तरफ जा रहा है, और आज हम एक आज़ाद मुल्क में बैठे हुए हैं। मैं अपनी कौम की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनके लिए हम दुआ करते हैं कायदे आज़म के लिए कि उन्होंने जो आखिर में 6 साल कोई भी नहीं सोच रहा था, 1 साल पहले जिस तरह मैंने कहा पाकिस्तान बनेगा, पता था कि उनको जो उनको टीबी या कैंसर दो कहते हैं, या टीबी थी या कैंसर, लेकिन कायदे आज़म को पता था उन्होंने ज़िंदा नहीं रहना, किसी को पता नहीं चलने दिया, और आखिर तक जो नेगोशिएशंस थी वो कभी पढ़ें कि किस तरह एक आदमी ने खड़े होकर नेगोशिएट करके जो आखिर की नेगोशिएशंस में पाकिस्तान बनाया। तो हम उनको आज 14 अगस्त को खराज तहसीन भी पेश करते हैं, और हम ये प्लेज करते हैं कि ये मुल्क एक मकसद के लिए बना था, ये ऐसे नहीं पाकिस्तान बना था, आज़ादी ये थी कि हम आज़ाद मुल्क में बनेंगे, लेकिन हमने आज़ाद मुल्क में क्या करना था। और यहाँ अल्लामा इकबाल की सोच कि हमने इसको एक मिसाल बनानी थी दुनिया में, अपने मुल्क को मिसाल बनाना था, और वो क्या मिसाल बननी थी, हमने मदीना के रियासत के असूलों पे अपने मुल्क को खड़ा करना था, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सुन्नत थी, मदीना की रियासत उनकी सुन्नत थी, मदीना की रियासत वो थी जो आज एक मॉडर्न रियासत थी, सारे मॉडर्न प्रिंसिपल्स थे, रूल ऑफ लॉ, जो ख्वातीन को राइट्स दिलवाए, गुलामों को उन्होंने उठा दिया, स्लेव डिनेस्टीज बन गई, यानी गुलाम बादशाह बन गए उन्होंने गुलामों को जो उठाया, जो उन्होंने माइनॉरिटीज को, जो लोग कहते हैं ना जी कई दवा, ये सेकुलर तकरीर थी कायदे आज़म की जो 11 अगस्त की थी, जो उन्होंने कहा था कि सब आज़ाद हैं अपने अपनी मस्जिद या अपने मंदिरों में जाने के लिए, ये तो सुन्नत नबी थी, ये तो कुरान के अंदर है कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। ये जब मुसलमान जब ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान करता है या वो हरकतें करता है जो ये RSS करती है, ज़बरदस्ती लोगों को हिंदुज़म में ट्रीट करते हैं, ये तो हमारे दीन के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है। हमारे लिए तो मैं ये दुनिया को बताता हूँ, जब भी किसी से मिलता हूँ बाहर का जिनको नहीं पता, जो समझते हैं कि हमारा बड़ा तंग नज़र दीन है, मैं उनको ये जब बताता हूँ जो हज़रत अली का वाक़ है रज़ी अल्लाह ताला का, कि खलीफा वक्त एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं, और खलीफा वक्त नहीं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला जो मुकाम है उनका इस्लाम में, वो एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं। इसका मतलब ये कि ना तो मुसलमानों का इंसाफ वो था जो कोई कानून से ऊपर नहीं था, उसके अलावा भी कि एक आम एक अकलियत वो एक खलीफा वक्त से केस जीत सकती है,
آج آج اس دنیا آج کل کی ماڈرن ورلڈ میں آپ مجھے بتائیں یہ کہیں تصور ہو سکتا ہے؟ تو وہ تھا ہمارا, یعنی ہمارا وہ آئیڈیلز تھے جدھر عرفات کے میدان پہ آخری خطبے پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب انسان ایکول ہیں, حضرت آدم کی اولاد ہیں, کوئی ہماری دین نہ ریسسٹ ہے نہ تنگ نظر ہے, ہمارا دین تو وہ ہے جس نے مدینہ کی ریاست جس کی بنیاد رکھی, جس سے 700 سال سے 1000 سال تک مسلمان دنیا کی عظیم سولیزیشن بنے رہے, وہ پاکستان, یہ تھا مقصد پاکستان کا. اور انشاءاللہ ہم پوری زور لگائیں گے اس بنانے کے لیے اپنا ملک. اور میں پھر آخر میں نریندر مودی کو یہ یہاں سے پلیٹ فارم سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل کسی غلط فہمی میں نہ رہنا, کشمیر کا کوز آپ نے جو کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ نے قانون پاس کر دیا اور کشمیر ہاتھ کھڑے کر دیں گے, کشمیری بھی بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں, ان کی جنریشنز ریزسٹ کر کے تکڑی ہو چکی ہیں, موت سے وہ ڈر ان کا خوف چلا گیا ہے, وہ جس طرح نکلے ہیں جو تھوڑا سا بھی ہم نے دیکھا بی بی سی پہ, یہ ایک نڈر قوم نکلتی ہے جس جو اپنی زندگی سے اوپر قوم کی غیرت آزادی جو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے, یہ وہ قوم بن چکی ہے. نہ نریندر مودی آپ اس قوم کے اوپر ان کو غلام بنا سکیں گے, اور یہ جو پاکستان کے اوپر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر پہ کچھ ہمیں سبق سکھانے کا, آپ تیار ہو جائیں. پھر سے میں کہتا ہوں کہ آپ کی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے, اور آپ کو انشاءاللہ آپ کو وقت آ گیا کہ آپ کو ایک سبق سکھائیں گے. بہت بہت شکریہ.